हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है यूमी एंड फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही जल्दी से झटपट से बनने वाले सुपर डिलीशियस नाश्ते की रेसिपी। साथ ही ये नाश्ता जो है वो वजन घटाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पतंजलि के बरले दलिया की रेसिपी, जिसे हिंदी में जौ का दलिया कहते हैं। जौ का दलिया जो है वो फाइबर से भरपूर होता है, तो वजन घटाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है और ये आपकी वेट लॉस जर्नी को बहुत ही स्मूथ बना देता है। मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी दलिया, जो 2 से 3 लोगों के लिए एक टाइम की क्वांटिटी के लिए सफिशियंट है। और साथ ही मैंने लिए हैं यहाँ थोड़ी सी सब्जियाँ, जिसमें मैंने लिया है थोड़े से फूल गोभी के लिए हैं, एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली है, एक गाजर को मैंने धोकर छील कर ले लिया है, एक प्याज लिया है मीडियम साइज का, एक मीडियम साइज टमाटर, एक छोटी साइज की हरी मिर्ची और थोड़े से मैंने यहाँ लिए फ्रेंच बीन। सब्जियाँ आप अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं। और सारी सब्जियों को मैंने बारीक बारीक काट कर ले लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी मटर। मैंने यहाँ हरे मटर को घर पे ही फ्रोज किया है। अगर आप मटर फ्रोजन की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जौ का दलिया जो होता है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। और सबसे पहले हम दलिये को जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए मैंने दलिये को एक पैन में डाला है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए हल्का रोस्ट करते रहेंगे। इसे आप लगातार चलाते रहें, नहीं तो दलिया जो है वो जलने लग जाता है, क्योंकि जौ का दलिया जो है उसमें फाइबर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस वजह से हम जब इस दलिये को खाते हैं तो हमारा पेट बहुत ही जल्दी भर जाता है और जल्दी से हमें भूख भी नहीं लगती। तो आप देखें कि दलिये का कलर जो इस तरह से हल्का हल्का सुनहरा होने लग गया है, तो यानी कि हमारा दलिया जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसे हम कटोरी में वापस निकाल लेंगे। और सेम पैन में मैंने यहाँ यूज़ किया है 2 छोटे चम्मच ऑयल। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, और अगर आप नॉन स्टिक पैन है तो उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑयल यूज़ होता है। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, और जीरा जब हल्का सा रोस्ट होने लग जाए तो हम इसमें डालेंगे गोभी और बारीक कटी हुई गाजर। और सब्जियों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंच बीन्स और इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटे हुए प्याज। इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक। मैं यहाँ 2 छोटी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। सब्जियों को हम 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से ढककर पका लेंगे। और जब थोड़ा सा आपको लगे कि सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट होने लग गई हैं तो हम इसमें मटर भी डाल देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ फ्रोजन मटर लिया है तो इसे पकने में बहुत ही कम समय लगता है। अगर आप ताजे हरे मटर लें तो थोड़ा पहले ही उसे डाल दें। और अब हम सब्जियों को ढककर 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से पका लेंगे। सब्जियां आप देखेंगे कि 3 से 4 मिनट में हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है तो मैं 1 छोटी चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी लाल मिर्च तीखी हो तो आप उस हिसाब से यूज़ करें। और साथ ही मैंने यहाँ लिया है 1 छोटी चम्मच वेट लॉस मसाला। इसे मैंने घर पर ही बनाया है और इसे मैंने नाम दिया है वेट लॉस मसाला, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है। और इसमें मैंने सारी चीज़ें जैसे कि अलसी, सौंफ, ये सब चीज़ों का यूज़ किया है, जो वेट लॉस में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। और साथ ही ये सारी चीज़ें जो है वो दलिये के टेस्ट को भी डबल कर देती हैं। तो मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे और हम इसमें डालेंगे रोस्ट किया हुआ दलिया और इसे सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जौ का दलिया जो है वो आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, कि हमें भूख नहीं लगती है इसे खाने के बाद। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी यहाँ मैंने जो है वो 4 गुना लिया है। 1 कटोरी दलिये में मैंने 4 कटोरी पानी डाला है, लेकिन पहले मैंने 3 कटोरी ही पानी डाला था और दलिये को 5 से 7 मिनट कुक किया, तो बाद में मुझे लगा कि थोड़ा सा पानी इसमें और जाएगा। तो किस कंसिस्टेंसी का दलिया आपको पसंद है उस हिसाब से आप 3 गुना या 4 गुना पानी ऐड करें। अगर आपको थोड़ा पतला दलिया पसंद है तो आप 4 गुना पानी लें, अदरवाइज 3 गुना पानी ले सकते हैं। और इसे मैंने नॉर्मली कढ़ाई में ही बनाया है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। 8 से 10 मिनट में ही दलिया बनकर तैयार हो जाता है, तो इसे कुकर में पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जौ के दलिये का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल चावल के पुलाव की तरह ही होता है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आपका चावल खाने का मन करे तो आप ये जौ का दलिया मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगी। पर्सनली मैं भी ऐसा ही करती हूँ, तो ये दलिया जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। 8 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा दलिया जो है वो देखिए कितना अच्छा खिला खिला बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।
साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया के पे भी जरूर शेयर कीजिए। मेरे डेली के अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। तो अगर आप ऐसी और भी वेट लॉस पास्ता या वेट लॉस सैलेड की रेसिपीज चाहते हैं या वेट लॉस से रिलेटेड कुछ और भी रेसिपीज चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।